इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया है बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से। बहुजन क्रांति मोर्चा के सदर वामन वेशरम साहब ने यही कहा है कि अगर NRC अगर लागू करना है तो वो DNA की बुनियाद पर लागू किया जाए। और इसी के मद्देनज़र बेलगाम शहर में भी आज भारत बंद का एहतमाम बड़े ही पुरजोर और जोश जज्बे के साथ किया जा रहा है। देख सकते हैं कि पीछे की कसीर तादाद में नौजवान और जिम्मेदारान और ओखला भी इसमें शरीक हुए हैं। और इनका सभी का कहना है कि NRC और CAA को यह काला कानून है और इसे जल्द वापस लिया जाए। और इसी के ज़रिए से उनकी ये बात वो हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस कानून को जल्द से जल्द रद्द कर दें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। भारत के मूल निवासियों को मेरा प्यार भरा सलाम। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भीमराय। मनुवादी सरकार का आतंक बढ़ते जा रहा है, इसीलिए उन्होंने CAA, NRP, NRC वगैरह लाया है। और अब हम सब हम लोगों को सिटीजनशिप से हटाना चाहते हैं। और ऐसा भी तर्क करते हैं हम लोग कि वो पहले निकालेंगे, बाद में आने के लिए आप हिंदू है इतना लिख के दो, आपको नागरिकत्व मिलेगा, ऐसा बोलने वाले। हिंदू का मतलब है गुलाम। और अगर हम हिंदू है बोल के लिख के दिए तो और 1000-1500 साल हम उनके गुलाम बन के रहेंगे। बाद में मनुस्मृति आएगी, मनुस्मृति एक बार आ गई तो अगली 1500 साल तक किसी भी देश भारत में इलेक्शन नहीं होगा। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो राज नहीं होगा, बाद में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणी राज्य निर्माण होगा यहाँ पे। इसीलिए हम सब लोग भारत मुक्ति मोर्चा, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन, इसके साथ साथ बेलगाम के सब वकील लोग, ये सब लोग आज और बेलगाम के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। इसमें सब यानी सब बहुजन, सब मूल निवासी हैं हम लोग। चाहे हम किसी भी भेष में आपके सामने आए तो हम सब लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी लोग बाहर से हैं वो इस देश को, ये अच्छा होगा कि वो छोड़ के चले जाए। हमारा देश है, हम भी क्या भी करेंगे। वो लोगों की जो अभी दादागिरी बढ़ती आ रही है वो बंद होनी चाहिए। इसके लिए इतनी तादाद में हम यहाँ पे आके DC साहब को हमारा निवेदन दे रहे हैं। अगर आपको NRC करनी है, निम्गे ऐनादरू NRC माडोदर माड्रि, DNA आधार मेले माड्रि, नमदेन तकरल्ल। याकंद्रे चलोब जनर कडे डाक्युमेंट इर्तावु इरंगिल्ल। ಈಗ ಗುಮ್ಮಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ದಾಡ ಜನಾಂಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ದಾಡೋ ಜನಾಂಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ NRC ಆಗಲಿ CAA ಆಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರು ನೀವು? ಅದಕ್ಕೇನೈತಿ, ನೀವು DNA ನೀವು NRC ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ DNA ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ DNA ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಂತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಏನು ಕಾಗದ ಲಿಸ್ಟ್ ಐತಿ ಅದರ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನೇ DNA ಐತಿ. ಸರ್, ಜಸ ಆಪನೆ ಕಹಾ ಕಿ 85% मूल निवासी है, 15% बाहर के लोग हैं, तो क्या बात है कि जब वो इलेक्शन भी करते हैं तो ये ब्राह्मणवादी लोग ही जीत कर आते हैं? क्या बहुजन समाज को यह बात समझ में नहीं आ रही? ये इसको किसको समझने की बात नहीं है। उनके हाथ में EVM है, EVM मशीन है। कांग्रेस ने 2 इलेक्शन EVM के आधार पे मेजॉरिटी प्राप्त की, बाद में BJP और कांग्रेस में समझौता हो गया तो कांग्रेस ने BJP के हाथ में EVM दे दी। और आप अगले 2 टर्म 2 इलेक्शन आप EVM का इस्तेमाल करके राज्य करो बोला है। ये कांग्रेस और BJP इससे पहले भी वही पार्टियां जीतती थी, उस वक्त तो EVM नहीं था, फिर ये बहुजन समाज क्यों उस तरफ जाता है? नहीं, बहुजन समाज एक तो मजलूम है यानी गुलाम है, उनको अपना निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। मजलूमों को एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन हमारे देश में अभी खाली 2 पीढ़ी से आ रहा है। जो पहले वाले लोग थे, हमारे बाप लोग, वो 6वीं 7वीं मैट्रिक बहुत से बहुत सीखे, उनके बाद में हम लोग जो है वो थोड़ा बहुत आगे आए हैं। हमको समझ में आता है कि कौन हमें फंसा रहा है, कौन नहीं फंसा रहा। कांग्रेस ने 60 साल तक हम सबको फंसा के, विशेष करके मुस्लिम समाज के कंधे पे गंड रख के उन्होंने अपना राज किया। और राज सिर्फ राज नहीं किया, कांग्रेस ने सारे देश का ब्राह्मणाइजेशन किया हुआ है। इसीलिए मोदी गालियां देते रहेंगे माइक पे, सोनिया गांधी के नाम से चिल्लाते रहेंगे, राहुल गांधी के नाम से चिल्लाते रहेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेते।
क्यों नहीं लेते? अगर ये इतने बड़े चोर है तो एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेते। उसी तरह से राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, या और कोई कांग्रेस का लीडर हो, या सोनिया गांधी हो, वो भी सब कुछ बोलती है, एक्शन नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? और इलेक्शन रूल्स क्या कहता है? जो भी इलेक्ट होता है उसका चैलेंज करने के वास्ते दो नंबर पे जो कैंडिडेट है उसी को अधिकार है। और ईवीएम मशीन के जरिए एक नंबर पे बीजेपी का आता है, दो नंबर पे कांग्रेस का आता है, दो नंबर पे कांग्रेस का आता है। कांग्रेस का और बीजेपी का ये फिक्स है प्लान, 50-50 है उनका, 20-20 मैच खेल रहे हैं। कांग्रेस खुलकर मैदान में नहीं आ रही, नहीं आती, क्यों आएंगे? वो भी ब्राह्मणों की है, ये भी ब्राह्मणों की है। असल में दोनों मिले हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। कन्नड़ अतंग मोड़ो ना सतंग मारते हैं। मेरा सवाल ये है कि बहुजन समाज का जो एक बड़ा तबका, अब देख रहे हैं कि हम गौरी लंकेश हो, दाबलकर हो, पानसरे को, इनको मारने वाले लोग बहुजन समाज से रहते हैं, तो फिर उनके ब्राह्मणों की साजिशों में कैसे फंस रहे हैं? क्या होता है सर, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, उनको नॉलेज नहीं है। हमें अपने समाज में अभी जागृति लाना चाहिए, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷರ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ಇತಿಹಾಸ ಓದೇವಿ? ಯಾರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಬರೋ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಓದೇವೆ ನಾವು? ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷರ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷರ ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಿ. ಸಾಥಿಯೋ ಪರಿವರ್ತನಕಾರಿ ಜಯ ಮೂಲ್ಯವಾಸಿ ತಮಾಮ प्रेस मीडिया जो आई है, जो आज बहुजनों का इकलौता मीडिया है, सोशल मीडिया, इन तमामों को अपना अपनी तरफ से, अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परिवर्तनकारी जय मूल्यवासी करता हूं। जैसे कि आज हम सब लोग जानते हैं कि एक देश में अराजकता का माहौल फैल गया है, और ये अराजकता का माहौल पैदा करने के पीछे इस देश की सरकार है, जो बगैर सोचे समझे ऐसे ऐसे कानून अमल में ला रही है जिसका सीधा असर इस देश की जनता पर हो रहा है। आपने देखा कि पिछले साल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने नोटबंदी का कानून लाया, और ये कहा गया था कि नोटबंदी से सिर्फ काले धन वालों को परेशानी होगी, मगर एक भी काला धन वाला लाइन में लगकर नहीं मरा, एक भी काले धन वाले की बेटी की शादी नहीं टूटी, एक भी काले धन वाले ने अपना पैसा पकड़ा गया, इसलिए आत्महत्या नहीं किया। तो ये एक गवाह है कि आने वाला जो नया कानून इन्होंने बनाया NRC और CAA, इस कानून को भी लेकर इस तरह से कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ जो इलीगल माइग्रेंट है उनको तकलीफ होगी, मगर ये इतना ही बड़ा झूठ है, क्योंकि इस कानून से इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज सब परेशान होने वाला है। आसाम में जब NRC हुई तो ये नतीजे हमारे सामने आए कि 19 लाख लोग NRC लिस्ट से बाहर हुए, और उसमें से 15 लाख लोग SC ST OBC के थे। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर आने वाले समय में पूरे देश में NRC लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा असर SC ST OBC NT VJNT DNT और आदिवासी पर होने वाला है। सरकार ये कहकर कि इससे सिर्फ घुसपैठियों को तकलीफ होगी, ये बताकर इस देश के मूल निवासियों को, बहुजन समाज को हक अधिकार से वंचित करने का प्लान किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमको संविधान में SC कहा है, ST कहा है, NT कहा है, VJNT कहा है, DNT कहा है और आदिवासी कहा है, मगर ये गवर्नमेंट कानून बनाकर लीगली हम लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की षड्यंत्र कर रही है, और ये षड्यंत्र को सब जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इस कानून को ना रोके तो आने वाले समय में देश फिर से दो राह पर खड़ा हो जाएगा, जहां पर देश के फिर से दो टुकड़े हो जाएंगे, और ये सारा काम इस देश की मनुवादी गवर्नमेंट कर रही है, और ये काम करने के पीछे इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, RSS ने संघियों ने मिलकर, जो 3% लोग हैं इन्होंने मिलकर ये प्लान किया है। और अगर आने वाले समय में बहुजन समाज इसके ऊपर जागरूकता होकर अगर इसका विरोध नहीं किया और इस कानून को वापस न लिया गया तो बहुजन समाज बहुत बड़ी संकट में पड़ने वाला है। इसलिए आज हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से आपका झंडा, आपका डंडा, कॉमन एजेंडा इस मुद्दे पर यहाँ पर बेलगाम सिटी में जमा हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग NRC और CAA का विरोध करते हैं। अगर इस देश की सरकार NRC सच में जारी करना चाहती है तो हमारी ये डिमांड है कि DNA के आधार पर NRC जारी करे, ताकि जनता को भी पता चले कि इस देश के मूल निवासी कौन है और विदेशी कौन है। आप लोग हमारा संदेश सरकार तक पहुंचाओगे और सरकार की आंखें हमारी इस संदेश से खुल जाएंगी, ऐसी अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ। और आप सब प्रेस रिपोर्टर यहाँ पर आए, इसलिए मैं फिर से आपका एक बार धन्यवाद करता हूँ और परिवर्तनकारी जय मूल निवासी करता हूँ। पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये जो है कानून बनाया गया है, CAA कानून बनाया गया है, NPR कानून बनाया गया है, और जो भी कानून बनाया गया है
वो इंसानियत के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है और जो है ख़ास तौर पर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है और SC ST लोगों के खिलाफ है। मेरी अपील ये है कि ये काला कानून जो है फौरन कैंसिल होना चाहिए। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं 140 PIL जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जल्द से जल्द जो है वो हीरिंग होंगी और हमें इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ भी नहीं मिलेगा तो हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा, हर जगह जो हो रहा है हिंदुस्तान में और फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, क्या सब जगह जो हो रहा है इसी तरह जो है हमारा प्रोटेस्ट जब तक के काला कानून कैंसिल नहीं होता हम प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सभी लोग, सभी रिलीजन के लोग, सभी मज़हब के लोग हम जमा हुए हैं। आज जो भारत बंद है उसको सपोर्ट करने के लिए हम जमा हुए हैं और NRC के खिलाफ हमारा जो है ना ये प्रोटेस्ट है। मोदी नानु प्रीति हेल्ते वार्निंग को भारत देश नमदू इन ना बिड़ोदी यारो बंद NRC ऐक्ट CA ऐक्ट इवेल नम चप्पल समान भारत देश नमदू नमद नम देश सल नानू जीव बिड़को रेडी आदर देश बिड़ंगिल्ल मोदी अमित शा यडियूरप्प ई मातु तिळ्को देश बग्गे एनादरू नम नम्मल्ले नाटक माडि एनादरू नम्मन्न नम्म मेले अत्याचार माडक प्रयत्न पट्टदल्ले निन्न विरुद्ध उग्र होराट माडलागुत्तदे एच्चरिके मोदी एच्चरिके मोदी अवरिगे ओंदु हेळ्तिद्दीनि नम्म भारतद संविधान बाबा साहेब अंबेडकर अवरिगे अपमान आगुत्तिदे अदु नम्म ದಲಿತವರು ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಜ್ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜೋ ಭೀ CA ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲಾಗೂ ಕಿಯಾ ಹೈ ಅಭಿ ತಕ್ ಈ CA ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಾ ಮೋಟಿವ್ ಹೈ ಕಿ ಜೋ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಹೈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಔರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯಹಾ ಕೆ ಜೋ ಭೀ ಹಿಂದೂ ಸಿಖ್ ಜೈನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಾಗರಿಕತಾ ದಿಯೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ದಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ ಲೇಕಿನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೋ ನಹೀ।